हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ अर्षि चकमन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 ऑफ चैप्टर 10 सर्किल्स क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ सर्किल मीन्स हमें दो सर्किल ड्रॉ करने हैं। नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो जब हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसमें कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे ये हमें मेंशन करना है। देन क्वेश्चन और है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो आपको ये भी बताना होगा कि मैक्सिमम कॉमन नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने पॉसिबल है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दो सर्किल जो है दूर दूर हैं, तो इसमें जो है कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, तो कॉमन पॉइंट इज जीरो। अब नेक्स्ट वाला फिगर देखिए, इसमें जो स्मॉल वाला सर्किल है वो बिगर सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्किल है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सर्किल आपस में टच नहीं हो रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जीरो है, दैट मीन्स कॉमन पॉइंट भी जीरो है। तो पहला आंसर आएगा जीरो। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिगर देखिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं सर्किल्स जो हैं वो आपस में एक पॉइंट पे, पॉइंट एल पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स इनका कॉमन पॉइंट हो गया वन। नाउ सी द नेक्स्ट फिगर। इस फिगर में छोटा सर्किल और बड़ा सर्किल आपस में एम पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट वन हो गया। तो हम नेक्स्ट आंसर लिख सकते हैं जीरो के बाद वन। नाउ सी द नेक्स्ट फिगर। इस फिगर में देखिए सर्किल जो है आपस में दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ए और बी, दैट मीन्स इसका कॉमन पॉइंट हो गया टू, तो हम लिखेंगे टू। तो स्टूडेंट्स 0, 1 और 2 इज द आंसर, दैट मीन्स कॉमन पॉइंट 0, 1 और 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।